हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आपके लिए एक और शानदार और ज़बरदस्त सी क्लास लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, क्लास आपकी किसकी होगी? HCF और LCM की। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसका तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे आज। इससे पहले हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। अगर वो देखना चाहते हैं आप तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो शुरू करें क्लास को आज की। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं होमवर्क का क्वेश्चन जो पार्ट टू से लिया गया है, ठीक है साथियों, यानी पिछली क्लास में आपको मिलता है। देखो दोस्तों, हर क्लास में, इस क्लास में भी आपके लिए आखिर में क्या होगा? होमवर्क का क्वेश्चन होगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। 2/3, 4/9 तथा 6/13 का HCF क्या होगा, ठीक है साथियों। तो देखिए ये एक भिन्न है, भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है, ठीक है। अंश का क्या लेंगे हम? HCF लेंगे, और हर का क्या लेंगे? LCM लेंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए अंश में क्या नंबर है आपके? 2 है, 4 है, 6 है। इसमें सबसे छोटा नंबर देखा हमने, ठीक है। इससे चेक करते हैं कि क्या सभी नंबर भाग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी नंबर भाग हो रहे हैं। तो इसका HCF कितना आ गया? 2। अब निचले वाले लेते हैं, यानी हर को लेते हैं। हर में क्या है आपके? 3 है, 9 है और 13 है। सबसे बड़े नंबर को देखते हैं। सबसे बड़े नंबर में चेक करें तो LCM कितना हो जाएगा? इसके आप टेबल बनाएंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 117 ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से कट जाएगी, ठीक है साथियों। LCM वो संख्या होती है जो इन सभी को, सभी से भाग हो जाए, और HCF क्या होती है? जो भाग कर दे, ठीक है। तो इसका आपका HCF कितना हो जाएगा? 2/117, ठीक है साथियों। देखिए कौन से ऑप्शन में आपके 2/117, ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर। जिन साथियों का भी आंसर आया 2/117, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए देखिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न आज की क्लास का, भाग तीन का। देखिए 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, यानी LCM क्या है, ठीक है साथियों। देखिए आपसे पूछा है 5 और बीच में जो संख्याएं हैं सम संख्याओं को लहसह पूछा है आपसे, ठीक है। तो इनके बीच में सम संख्याएं क्या आ जाएंगी? 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी और 12 होगी। ये 4 संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है साथियों। इनका आप LCM निकालेंगे। देखिए LCM निकालते हैं इनका, 2 से काटते हैं, 2 3 कितने होंगे? 6, 2 4 8, 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएंगे आपके। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट ले, 3 कम 3, ये 4 आ जाएगा आपका, ये 5 और ये 2, ठीक साथियों। फिर से 2 से कट जाएगा, 1 आएगा, 2 5 और 1, ठीक है साथियों। अब जितनी भी संख्या बची हैं इन सब की आप क्या कर दें? गुणा करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा आपके? 2, 3, 2, 2 और 5, इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120, ठीक है साथियों। आपका LCM कितना आ जाएगा? 120, जो कि आपके ऑप्शन ए में होगा, ठीक है साथियों। इसका आपको LCM ही निकालना था, 5 और 11 के मध्य जितनी भी सम संख्याएं हैं इनका आपको LCM निकालना था। LCM ऐसे भी निकाल सकते थे आप बड़े नंबर के गुणज निकाल कर, उससे भी ऐसे ही पड़ता, उसको आपका टेबल चलाना पड़ता है उसमें भी, ठीक है। ऑप्शन अगर बड़े हों तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी सिचुएशन हो ऐसे आंसर निकाले आप। चलिए अब देखते हैं अगले पर्सन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है साथियों। 200 तक पूछा आपसे, यानी 1 से 200 तक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 200 तक आपको क्या लेना है? सबसे पहले तो हम इनका LCM लेंगे 2 और 3 का, ठीक है। 2 व 3 का कितना आ जाएगा? 6। LCM कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। इस LCM से हम क्या करेंगे? 200 को भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए लगाइए, देख कितनी बार चलेगा पढ़ा यहाँ पे, 3 छंग कितने हो जाएंगे? 18, यानी 3 बार चला, ठीक है साथियों। बचे कितने? 2, इधर से 0 उतार लिया हमने, फिर पढ़ा चलाया कितनी बार चला? 3 बार फिर चला, ठीक है साथियों। ये शेष बच जाता है आपका, ठीक है। जितना भी पूरा पूरा भाग हो जाए
वो संख्या लेनी है सिर्फ हमें 33 बार। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33। ऐसी संख्याएं होंगी कितनी? 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे। ठीक है साथियों, एक बार फिर से समझ लें, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिए हैं आपको 2 और 3, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 6 आ जाएगा। फिर आपको जो संख्या दी है जितने तक, ठीक है, उन सभी को क्या कर देना है, इस एलसीएम से भाग कर देना, जितना पूरा पूरा भाग होता है और जो भाग फैलाता है आपको, वही आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और जिसे दोगुना करने पर, यानी जिसको दोगुना कर दिया जाए तब वो विभाजित हो। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम क्या होगा आपका, एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? 4, 6, 9, 12 और 14 का। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 दून 4, 2 3 6, ये 9 नहीं कटेगा आपका, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 3 9, 3 और 7। ठीक है साथियों, देखिए अब क्या, 3 से काटेंगे, 1 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा आपका, 3 1 7। ठीक है साथियों, अब जो भी नंबर बचता है उसके क्या कर लें आप, गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, इधर लेके लिए 7 3 कितने हो जाएंगे आपके, 21। 12 गुणा में 21, देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा आपका, और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाता है आपका, 252। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम 252। ठीक है, 252। अब देखिए, अब उसने बोला है हमसे कि ऐसी संख्या देनी है जो दुगुना करने पर एलसीएम आए। ठीक है, यानी इनसे सभी से भाग हो जाए, इनसे भाग क्या होगा, इनका एलसीएम इनसे भाग होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको ही आधा कर देते हैं। ठीक है, इसको आधा कर देते हैं एलसीएम को, कितना हो जाएगा, 126। 126 ऐसा नंबर होगा जिसको अगर डबल कर दें आप तो इसका एलसीएम आएगा वो, और वो इन सभी नंबरों से भाग भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप क्या करें, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें। उसने सिर्फ ये बोला है कि ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, निकालना है, जो डबल करने पर इन सभी से भाग हो जाए पूर्णतः। ठीक है साथियों, तो ऐसा नंबर क्या होगा, 126 ही ऐसी संख्या होगी जिसको डबल करने पर इन सभी नंबरों से भाग हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इसका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 6, 8 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी हो। ठीक है साथियों, आपसे क्वेश्चन है आपके पास में, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी हो। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिए 4 है आपके पास, 6, 8 और 20। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालें। क्या निकालें, एलसीएम। सबसे बड़े नंबर को देखिए, इसके गुणज निकालते हैं। देखिए 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 4 80, 20 5 100, 20 6 120। ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया हमने। देखे सबसे पहले चेक करते हैं सबसे छोटे नंबर को, क्या ये सभी नंबरों से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सबसे भाग नहीं होगा, ये 8 से भाग नहीं होगा। ठीक है, और 6 से भी नहीं होगा। 40 को देख लेते हैं, 40 जो है 20 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6, 8 से नहीं होगा, तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, देखिए 8 से काटते हैं 60 को, तो 8 भी 60 से भाग नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 8 से अब 80 को काटते हैं, हो जाएगा। ठीक है, 120 से भी हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो ये भी नहीं होगा, और 100 भी 6 से भाग नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन क्या है, 120, इसको भी चेक करते हैं, 20 से हो जाएगा आपका, 8 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 4 से भी हो जाएगा।
तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 120। ठीक है साथियों, अब चेक करते हैं हम 120 से, ठीक है 120 से भाग होने वाले आपके ऑप्शन देख लेते हैं अब। ठीक है देखिए 120 से आपका 900 भी भाग नहीं होने वाला है, ठीक है, और 400 भी नहीं होगा। ठीक है दो ऑप्शन बचे आपसे, ठीक दो ऑप्शन बचे आपके पास सी और डी, एक में 3600 है एक में 1800 है, 1800 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या बचा सी, 3600 ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से भाग भी हो जाएगी, यानी इसका एलसीएम भी होगी और वर्ग भी होगी। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 में प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है साथियों, आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 13 जोड़ने के बाद 42, 36 और 45 से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है साथियों, तो देखिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, 42, 36 और 45। ठीक है साथियों, इनका क्या ले लेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है साथियों, देखिए 6 से काट लेते हैं, 6 सत्य कितने हो जाएंगे 42, 6 छंग 36, 45 नहीं करेगा आपका। ठीक है अब 3 से काट लेते हैं, 7, 2 और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है अब कोई नंबर नहीं कट रहा है तो अब सबकी गुणा कर दीजिए। ठीक देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है 30 की गुणा करते हैं, 7 में कितना हो जाएगा 210 गुणा में 36, 18। ठीक है साथियों, 18 की गुणा कर देते हैं 210 में, देखिए 0 तो आएगी आपकी, 18 एकम 18 आ जाएगा आपका, और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 37। ठीक है साथियों, चेक कर ले एक बार कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है, 6 से काटा 6 से 42, 6 छः 36, 45, 3 से काटा 3 दून 6, 15 45, 15 दूनी 30, 21, 36, 18, 0, 18 कम 18, कुछ मिस्टेक किए दोस्तों, दोबारा करते हैं इसको। देखिए दोबारा से देखिए, देखिए आपके पास क्या है 42 से 36 और 45, 3 से काट लेते हैं सबसे पहले। देखिए 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे इसको 3 कम 3, 3 दून 6 ये 15। ठीक है साथियों, एक बार फिर से 3 से काट लेते हैं, देखिए 14 हो जाएगा आपका और ये 4 और ये 5। ठीक है अब देखिए अब कौन सी संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 7, 2, 5। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कोई मिस्टेक की हो तो हमने, देखिए 5 दूनी 10, 10 सते 70, ठीक है 7 दूनी 14, 140 वो 3 3 9, 0 ये कितना हो जाएगा आपका 9 6 56। ठीक है साथियों, हासिल कितने लगे आपके 5, 9 9 5 14। ठीक है साथियों, कितना आ गया यहाँ पे 1440। ठीक है साथियों, 1440 आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे, और हमें इसमें 13 जोड़ने के बाद इन सभी संख्याओं से भाग होना चाहिए। ठीक है तो देखते हैं 1440 में से आप क्या घटा दीजिए, 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 7, 2, ये आपका आंसर आ रहा है जो आपके ऑप्शन में नहीं है, या तो ऑप्शन गलत है या हमारा करने का तरीका गलत है। चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए साथियों, हमने यहाँ पे गुणा में गलती कर दी है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो उसको सही करते हैं। देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी सी मिस्टेक होने से यहाँ पे क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है तो देखिए
ये गुणा हमने की 140, आपका बाकी एलसीएम लेना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गुणा में मिस्टेक होगी, देखिए जीरो तो यहाँ पे आएगी आएगी, नौ चौके कितने होंगे आपके 36, हासिल कितने लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है साथियों। आपकी संख्या क्या आ गई 1260, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस एलसीएम में से आप क्या संख्या घटानी है आपको, ये संख्या घटानी है जो जोड़ने को कह रहा है, वो जोड़ने को कह रहा है, हमें इसको घटाना है, ठीक है। 1260 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना 13, ठीक है साथियों। कितना आ जाएगा 7 4 और 2 1, 1247, ठीक है साथियों। इसमें से हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 1247 ऐसी संख्या होगी जिसमें 13 जोड़ने के बाद वो इनसे विभाजित हो जाएगी, ठीक है साथियों। विभाजित क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है 1347, अगर इसमें हम 13 प्लस कर देते हैं तो कितना बन जाता है 1260 बन जाएगा, जो कि इसका क्या है एलसीएम है, ठीक है साथियों। ये भाग हो जाएगा इससे, तो आपकी ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट आंसर था। देखा दोस्तों हमने छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, नौ चौके 54 पढ़ दिया हमने, जबकि नौ चौके यहाँ पे 36 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि है 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है साथियों। आपके पास क्या है 1812, ठीक है साथियों। 1812 एक संख्या दी है आपको, इसमें बोला है कि इसमें वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है साथियों। तो देखिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेंगे 7, 11 और 14 का, ठीक है साथियों। तो एलसीएम ले लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगे, 7 एकम 7 11 और 7 दूनी 14, बस हो गया आपका। देखिए 7 गुना 11 और गुना 2, ठीक है साथियों। तो कर लेते हैं, देखिए 11 7 कितने हो जाएंगे आपके 77, गुना कितना हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 154, ठीक है। एलसीएम कितना है आपका 154 आया, ठीक है साथियों। अब देखिए आपको क्या करना है, जो ये संख्या है आपके पास में, ठीक है, इसको भाग करना है इनके एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम से इसको भाग कर देते हैं 154 से, ठीक है साथियों। तो देखिए 154 का फाड़ा कितनी बार चल रहा है, आप एक ही बार चलेगा 154, ठीक है। इसमें से माइनस कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे 11 है, 11 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितने बचे थे आपके 7, नीचे 5 है कितना बचाएगा 2, इधर से 2 उतार लेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल आसान बता रहा हूँ, एक एक स्टेप का आपको, ठीक है। अब की बार भी पारा चलाएं, ठीक है, पहले भी एक बार चला था, अब भी एक बार ही चलेगा, ठीक है, 154, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 12, 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपका 8, और यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1, ठीक है साथियों, और इधर भी 1 बच जाएगा। ये आपका जो शेष आता है, ठीक है साथियों, जो आपका शेष आता है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये इससे पूरी पूरी भाग हो जाए, ठीक है। हमें वो संख्या निकालनी है जिससे कि ये पूरी पूरी भाग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, देखिए 154 में से कितना घटा रहे हैं 118 घटा रहे हैं, ठीक है, 154 में से 118 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 14 में से 8 जाएंगे आपका 6, इधर कितना बचा आपका 4 में से 1 गए 3, ठीक है। तो आपकी संख्या क्या होगी, 36 ऐसी संख्या होगी अगर इसमें आप, ठीक है, इसमें अगर 36 जोड़ दे तो ये इन सभी से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सी संख्या होगी 36, आप भाग कर देख लेना, ठीक है साथियों, भाग करके देख लेना आप, इसमें 36 जोड़कर इस संख्या में ये पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है, इनके एलसीएम से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है दोस्तों, ये 2017 का। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, आपको लाल सा बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर दबाकर क्या कर दीजिए, उसको ब्लैक कर दीजिए, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको पास में घंटी का बटन आएगा, उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए,
जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है साथियों, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, हो सकता है आपका जवाब गलत हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे कैसे। ठीक है साथियों, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, देखा होगा आपने क्लास में बीच में छोटी सी गलती होगी तो जिससे कि पूरा क्वेश्चन बिगड़ गया था। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।